ओम शांति। आज की साकार मुरली 5 सितंबर 2020, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। ये पुराने कपड़े उतारने हैं, अपने घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते? आपके प्रश्न को बाबा ऊपर से बैठे बैठे प्रेरणा नहीं देते थे, भाई ये काम कर लो, ऐसे कर लो, नहीं। उनका अवतरण होता है, वो आते हैं इस धरती पर, आते हैं ऊपर से बैठे बैठे, चल भाई ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, नहीं। ऐसा कोई भी काम ऊपर से बैठे बैठे नहीं करते। दुनिया वाले तो कह देते हैं, मैं तो बाबा अपनी बात कैसे स्पष्ट करा रहे हैं कि मैं ऊपर से कोई काम प्रेरणा से नहीं करता हूँ, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? इस बात को सिद्ध किस बात से सिद्ध होता है? कैसे पता लगता है कि परमात्मा ऊपर से बैठे बैठे काम नहीं करता बल्कि नीचे आता है? बाप को कहते ही हैं करण करावन हार, करण करावन हार, करने वाला भी और कराने वाला भी। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार, ऊपर से विचार नहीं दे देते, संकल्प नहीं भेज देते, हाँ जी ऐसे कर लो, नहीं। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है, प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं, कर्म इंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, कर्म इंद्रियों बिगर कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। आके ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सन्मुख बैठी हैं। गोया आत्माएं किसके सामने बैठी हैं? अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी, बिना जिस्म के तो आत्मा आके तो नहीं बैठेगी ना। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सन्मुख होते हैं, बिना शरीर के बाबा हमारे सामने कैसे होगा? तभी सन्मुख होते हैं जब इनके शरीर में आते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता, कह देते थे परम पूज्य पिता पर ऐसे, परंतु बाबा कहते नहीं कहा जा सकता।
सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं, परम पिता अर्थात वो सभी का पिता है एक, क्योंकि परम पिता दो नहीं हो सकते। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं, परम पिता परम आत्मा और हम आत्माएं शांति धाम की के रहने वाले हैं और यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। ये हो गई नई रचना, ये हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा पाठ बजाया है, आगे ये नहीं जानते थे, पहले नहीं जानते थे। अब हमें पता है कि हमने सतयुग में कैसा पाठ बजाया, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, परंतु पहले हम ये नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं, जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते, सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। ये समझाया है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है, बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं, ऊंचते ऊंचे भगवान का भी विचित्र पाठ है। ऊंचते ऊंचे भगवान का भी कैसा पाठ है, विचित्र पाठ है। भगवान का भी विचित्र माना विशेष चित्र, विज्ञान माना विशेष ज्ञान, विचित्र माना विशेष चित्र। ऐसा चित्र और कोई होता नहीं, इसलिए उसे अद्भुत भी कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, अंतर समझना है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे, दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं, बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है नहीं। लाइन अंडरलाइन करने वाली है, बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है, चित्रों पर क्या करना होता है, समझाना होता है। जबकि वो था सच, हाँ, चित्र जो दिखाते हैं तो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। कई लोग कहते हैं ना, प्रेरणा देते हैं, मुझे उनसे प्रेरणा मिली, ठीक नहीं। बाबा कहते प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, मेरे को विचार नहीं आ रहा कि मैं बाहर जाऊं, बाबा कहते मैं को ये प्रेरणा थोड़ा देता हूं ऊपर से बैठा बैठा। हाँ, मेरा ये काम नहीं है, मैंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना, ये मैंने बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करो क्या ना, जैसा करोगे वैसा तुम्हारा पार्ट है। प्रेरणा यानी विचार, प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है, प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है कि सोच भी कुछ और अर्थ निकलता होगा। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। आपके प्रश्न का जवाब मिल रहे हैं ना सारे, और जो प्रश्न हम लेके बैठेंगे बाबा की मुरली में ऑटोमेटिक जवाब आएंगे। हमने पहले से तो नहीं सोच रखा कि भी इस प्रकार की मुरली लानी है। ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है, परमात्मा तो मैं ऊपर से प्रेरणा दे दूं ऐसे ज्ञान मिल जाए, नहीं ऐसे नहीं ज्ञान नहीं मिल सकता। बाप आते हैं
इन कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बजाने, इन आंखों से देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं, इस मुख से बोलते हैं, इसके द्वारा सारे काम करते हैं। करण करावन हार है बाबा, क्या है? करण करावन हार है ना, करवाते वो है, कराने का तरीका बताते हैं। आखिर ज्ञान देना तो करना तो है ना। बाबा कहते मुझे, कई बच्चे कहते अकर्ता, मैं अकर्ता नहीं हूँ, मैं करता हूँ, मैं आके ज्ञान सुनाता हूँ ना, ये कर्म हुआ ना, मेरा आना भी कर्म हुआ, मेरा तुम्हें ज्ञान सुनाना भी कर्म हुआ ना। हाँ, मैं तुम्हारी तरह कर्म नहीं करता, तुम्हारी तरह मैं कर्म, शरीर बिगड़ तो कर ना सकूं। बाबा कहते मैं शरीर बिगड़ तो ना कर सकता, मुझे तुम्हारे साथ बात करने के लिए शरीर तो चाहिए ना, कैसे करूं बात तुम्हारे साथ। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, इन बातों को कोई भी जानते नहीं। वो कहते आकाशवाणी हुई, कहते हैं बाबा कहते मैं आकर आकाशवाणी ही करता हूं। अब आकाशवाणी का मतलब क्या होता है? वो समझते ऊपर से आकाश से आवाज आ जाएगी। आकाश तो पोलार है, खाली है, आकाश तो खाली है, आवाज के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, ठीक नहीं? वास्तव में फेफड़ों से लेकर ये एक पाइप है, ये भी खाली है, इसमें से जब हवा आती है तो उसके रास्ते में क्या करते हैं, जैसे मुरली में रास्ते में रुकावट करते हैं तो आवाज़ बनती है ना, ठीक नहीं? ऐसे ही इस हवा के रास्ते में गले द्वारा, कंठ द्वारा, तालू द्वारा, दांतों द्वारा, जीभ द्वारा रुकावटें पैदा करते हैं तो आवाज़ बनती है ना, रुकावटें पैदा करें तो कोई आवाज़ ना बने। कहते ये है आकाशवाणी, ये है आकाशवाणी। तुम भी आकाशवाणी करते हो, मैं भी आकर आकाशवाणी करता हूँ। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, दुनिया वाले ये बातें जानते नहीं, ना ईश्वर बाप को ही जानते। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न इति ने इति, हम नहीं जानते कौन ईश्वर है, किसने उसको रचा, कब रचा, क्या किया, कैसे किया। ना आत्मा को, ना परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान है, किसी में भी ज्ञान नहीं। बाप है मुख्य क्रिएटर, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते, बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है, ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। यदि हमने परमात्मा को कह दिया कण कण में है, जरे जरे में है, सर्वव्यापी है, तो फिर उसमें परिवार थोड़ा लगेगा। कुत्ते में भी है, गधे में भी है, सुअर में भी है, सांप में भी है, बिच्छू में भी है, टिंडन में भी है, गंध में भी है, तो हम उसको अपनी फैमिली कैसे कहें? उनको कहा जाता है निराकार शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। वो किसका बाबा है? आत्माओं का बाबा है, शरीरों का बाबा नहीं है। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बिना शरीर के आत्मा बोल नहीं सकती बाबा। बिगर शरीर तो आत्मा बोल ना सके ना। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वो बाप दुख हरता सुख करता है, सुख मिलता है सुख धाम में, सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में, और यहाँ है ही दुख।
क्योंकि इस दुनिया का नाम है दुख धाम। ये है दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख मिलता है, शांति धाम में शांति मिलती है, सुख धाम में सुख मिलता है। ये ज्ञान तुमको मिलता है, वो भी कब? संगम पर, पुराने और नए के बीच, पुराने युग और नए युग के बीच। ये संगम किसका है? एक कल्प खत्म हो रहा है और दूसरा कल्प शुरू हो रहा है, तो दोनों कल्प के बीच में पुराना कल्प खत्म, नया कल्प शुरू, उसके बीच के संगम पर बाबा हमें मिलते हैं। बाप आते ही तब हैं जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले क्या कहना चाहिए? नई दुनिया की स्थापना। पुरानी, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रोंग हो जाता है। दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो बाबा कहते हैं विनाश हो गया फिर कैसे स्थापना करें? जब सब कुछ खत्म हो गया फिर स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए कैसे कहना है? पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। स्थापना के बाद किसका विनाश? आसुरी सृष्टि का, आसुरी दुनिया का, आसुरी दुनिया का, जिनमें आसुरी संस्कार हैं उनका विनाश। बाबा कहते मैं आकर सिखाता हूं देवी संस्कार बनाना। तो स्थापना किसकी करते हैं? देवी संस्कारों की, देवी जीवन की, ठीक है ना। जब वो स्थापना हो जाती है और मैं वो असुरों को बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, जब वो पावन बन जाते हैं और जो नहीं बनते हैं, जो असुर के असुर रह जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है और वो बच जाते हैं, जो पावन रहते हैं वो बच जाते हैं और उनको वो फिर विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होती है। अंतर समझ में आया? पहले स्थापना, देवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी सृष्टि का विनाश, बाकी बचा कौन? देवी सृष्टि, उसकी पालना चलती। समझ गए? तो मतलब दुनिया वाले उल्टा कहते हैं, आप बाबा आकर उसे सीधा कर रहे। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है, बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, एक्टर आएंगे नाटक करने के लिए घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक में आकर क्या करते हैं? कपड़े बदलते हैं। नाटक पूरा हुआ तो वो कपड़े उतार फिर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, बिना शरीर के आते हो, और यहाँ शरीर पहनकर आकर शरीर पहनते हो, रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक को अपना अपना। ये बेहद का नाटक है। बेहद का मतलब कंप्लीट, और कंप्लीट में पूरा यूनिवर्स आता है, कोई बचता नहीं, कोई ग्रह उपग्रह सूरज चांद सब सब इस एक्ट के अंदर आते हैं। अब ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, बेहद की कंप्लीट दुनिया क्या हो गई है? पुरानी हो गई, फिर होगी नई दुनिया, वे बहुत छोटी है।
वे बहुत छोटी है। एक धर्म है, तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है, जहाँ है ही एक धर्म तो हद हो जाती है ना। वहाँ तो है ही एक धर्म, थोड़े से मनुष्य, एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्यौहार हैं, नंबरवार कौन कौन से त्यौहार हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो, ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे ना, वो जब आए तब फिर और त्यौहार बने, तब फिर और त्यौहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। पहले पहले बाप आते हैं, क्या होती है, शिव जयंती होती है, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई, ठीक है ना। तुम बच्चे विचार कर सकते हो, विचार कर त्योहारों को नंबर वार लिखो, बुद्धि चलाओ, त्योहारों को नंबर वार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। देखो त्योहारों की सीक्वेंस बाबा जो हमें बता रहे हैं, पहले होती है शिवरात्रि, शिवरात्रि के बाद एक बार आती है रामनवमी और एक बार आती है कृष्ण जयंती। एक बार आती है रामनवमी और एक बार आती है कृष्ण जयंती, ठीक है। फिर जब रामनवमी और कृष्ण जयंती होती है उसके बाद एक बार आती है होली फरवरी में, है ना, और एक बार आती है ये क्या बोलते हैं रावण दशहरा, ठीक है ना, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन 15 अगस्त, हाँ, तो एक बार आता है रक्षाबंधन। मतलब ये पवित्र बनाने के लिए राखी बांधते हैं, पवित्र बनाने के लिए होली मनाते हैं। और मतलब बाबा आए तो ज्ञान सुनाई ना, जब तक परमात्मा ना आए तब तक राम या कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता। हर एक को अपने अपने धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं, बल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ा ही आ सकते हैं, स्वर्ग में तो आएंगे ही सिर्फ सनातन धर्म वाले, जो दूसरे धर्म वाले हैं वो तो सनातन स्वर्ग में आ ना सके। झाड़ में बिल्कुल साफ है, तो जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे, जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उसी समय ही वो आएंगे। पहले बाप आते हैं वही आकर राजयोग सिखला, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, फिर कौन सी जयंती आ जाती है, नारायण जयंती। वे तो हो जाता है सतयुग, वो भी लिखना पड़े, नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार ये ज्ञान की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें। सारे एक जैसे तो नहीं हो सकते ना। शिव जयंती कब हुई वे भी पता नहीं है, वे भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती के का कोई हॉलीडे नहीं है, जगदम्बा की जयंती पर कोई छुट्टी नहीं होती। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते, 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं। क्या कहा है बाबा ने, 2500 वर्ष। आज दुनिया के अंदर जो इतिहास अवेलेबल है वो सिर्फ 2500 साल का है, मतलब त्रेता और सतयुग का नहीं है, द्वापर से हाँ। हो रहा है, इतिहास ही है ना, बिल्कुल, जहाँ से हमारे भक्ति मार्ग शुरू हुआ। नहीं, भक्ति मार्ग, हाँ भक्ति मार्ग तो शुरू हुआ, परंतु जहाँ से आदि मानव शुरू हुआ। आपको बताया था कि जब त्रेता का अंत होता है तो धरती के टुकड़े होते हैं। सत्युग त्रेता में धरती का एक ही पेंजिया था, और जब त्रेता से द्वापर होता है तो धरती टूटती है, तो एक अमेरिका बनता है, एक अफ्रीका बनता है, एक ऑस्ट्रेलिया बनता है, एक यूरोप बनता है। इससे पहले ये नहीं थे। 2500 साल पहले कोई इस धरती पर अमेरिका नहीं था, अफ्रीका नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, यूरोप नहीं था, केवल और केवल एक भारत था। ठीक है कि नहीं? ये इतिहास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं ज्योग्राफी साइंस में, ठीक है? ज्योग्राफी साइंस का क्वेश्चन क्या होता है कि जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ कौन सा सागर था? तिथि सागर था, वहाँ तिथि सागर था। आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया? पेंजिया नहीं दिखाया आपको? दिखाया। चलो कोई नहीं, बाद में दिखा देंगे आपको, पेंजिया दिखाएंगे इसके बाद। एक पेंजिया होता है, एक धरती का टुकड़ा होता है, कोई दूसरा धरती का टुकड़ा होता ही नहीं है। तो उस एक ही धरती के टुकड़े पर, एक ही धरती के टुकड़े पर जो है ना सारा दुनिया जो है ना होती है, और वहाँ पर आकर के परमपिता परमात्मा सारे संसार को ज्ञान दे करके देवता बनाते हैं। जो आप देवता बन जाएंगे, ये है पेंजिया, ये ज्योग्राफी साइंस में पढ़ाया जाता है, नेट में ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है नहीं? इसमें क्या होता है कि जहाँ आप ये खाली जगह देख रहे हैं, ये भारत का नक्शा होता है उस टाइम पर, हाँ यही होता है धरती। पूरी पृथ्वी पर और कोई धरती होती नहीं, सारी पृथ्वी पर। अब उस धरती में नेट पर ढूंढेंगे तो पेंजिया आपको मिल जाएगा, और उसमें जहाँ आप ये देख रहे हैं बीच में ये वाली जगह, ठीक है नहीं, यहाँ पर हिमालय पर्वत है। यहाँ ये जो है ना कई प्रकार का नक्शा होता है, इसमें एक भूगोल का भी नक्शा आता है ये वाला, ठीक है नहीं? ये भी शेप इसी पेंजिया की शेप है। तो ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर पेंजिया के अंदर यहाँ लिखा है तिथिज सागर, ठीक है नहीं, तिथिज ओशियन, जो उस नक्शे के अंदर दिखाई है ये जगह, यहाँ तिथिज सागर होता है। इस जगह पर आप देखिए कि हिमालय पर्वत निकल कर आ गया बाहर, कितनी धरती में उथल पथल हुई, धरती के टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है नहीं? जब इस धरती के टुकड़े हुए तो टुकड़े दूर चले गए। अब जो लोग जिस धरती के टुकड़े पर थे उन्होंने सोचा हम बच गए, बाकी सारे मर गए, बाकी सारे मर गए, समझ गए बात को। और अब से कितने साल पहले, 500 साल पहले अमेरिका का पता लगा, अफ्रीका का पता लगा, भारत का पता लगा, ऑस्ट्रेलिया का पता लगा, वरना 500 साल पहले तक किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ अमेरिका है, कहाँ अफ्रीका है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ यूरोप है, ठीक है नहीं? तो बात समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये था पहला रूप, ये ज्योग्राफी साइंस पे पढ़ाया जाता है बच्चों को,
ठीक नहीं, परंतु वहाँ सालों की गिनती गलत कर देते हैं, लाखों करोड़ों साल बोल देते हैं, जबकि बाबा कहते बच्चे ये सारा 2500 साल का खेल है। 2500 साल पहले इस धरती पर केवल और केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, भारत था, जिसे स्वर्ग कहते हैं, जिसका इतिहास दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो जब ये टूटे तो जो लोग जहाँ खड़े थे जंगल ही थे, उनके ना पर मकान थे ना कोई बात थी। अब उन्होंने अपने जीवन को जीने के लिए गुफाओं का सहारा लिया, नदियों का सहारा लिया, जहाँ से हमारे पास इतिहास अवेलेबल है। अब उन्होंने आपस में विचार अभिव्यक्त करने के लिए एक भाषा बनाई, जैसा भी करते थे, जैसे निशान उनकी समझ में आए, हर एक ने अपने अपने तरीके से निशान बनाए, तो भाषा बनी, हर एक के अपने अपने बोलने शब्द तो वही हैं, पर तो बोलने में थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, फर्क होता गया। तो राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते, 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते। किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा की लिखी हुई पुस्तक 2500 साल से पुरानी कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई कितना भी गपोड़े मारे कि वेद लाखों साल पहले लिखे गए थे, बोलते रहो, बोलने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक नहीं? सच तो सच है ना। परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनका कितना समय हुआ कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो नहीं सकता। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा तरफ इनका राज्य है, फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता है? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। 5000 साल में 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते, तो उन्होंने इसको लाखों वर्ष कर दिया है। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है, मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। लाखों वर्ष कैसे किया है, लाखों वर्ष कैसे किया है, क्या है कि हमारी भागवत, श्रीमद् भागवत, जो भागवत पुराण है, उसके अंदर लिखा गया है कि कलयुग का एक मास, कलयुग की दुनिया का एक मास मतलब देवताओं के लिए एक दिन होता है, ठीक है नहीं? मतलब दिन और रात, 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष, तो दिन और रात, ठीक है। और उसके बाद कहा कि और ये जो पूरा साल होता है, ठीक नहीं, वो एक दिन होता है। हाँ, 360 बार जब ये चक्र लगता है तब वो एक दिन बनता है। एक साल में 360 दिन का एक दिन, देवताओं का एक दिन। हाँ, हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, साल उम्र गिनी जाती है। हाँ, कैसे गिनी जाती है मैं वही बता रहा हूँ आपको कि गलती कहाँ हुई, कि भागवत पुराण के अंदर दिया हुआ है, भागवत पुराण के अंदर दिया है, मैं आपको फिर दिखा दूंगा उसको, कि कलयुग में एक एक दिन एक एक साल के बराबर गुजरेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन एक साल के बराबर, और उन्होंने तुरंत 1200 को 360 से गुणा कर दिया, तो कलयुग की आयु उन्होंने 4,32,000 कर दिया, 4,32,000 सीधा गुणा करेंगे, ठीक है नहीं? 1200 को 360 से गुणा करेंगे तो 360 से क्यों कहा, 365 से क्यों नहीं किया, ये बताया था आपको। 360 से क्यों कहा, क्योंकि हिंदी के हिसाब से साल में दिन होते हैं 360, अंग्रेजी के हिसाब से साल में दिन होते हैं 365। समझ में आई ये बात? क्यों 360 होते हैं? इसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी एक एक दिन में दो दो तिथियां आ जाती हैं,
कभी कभी दो दो दिन तक एक तिथि चलती रही। 50,000 नहीं, 1200 को गुणा करेंगे, 1200 अच्छा, 50 को नहीं करना, नहीं करना, 50 साल संगम में चले गए ना, 432,000 संगम युग में, अच्छा। संगम युग में 50 साल सतयुग के, 50 साल कलयुग के, दोनों तरफ से, तो संगम है ना दोनों युगों का, तो 100 साल का संगम है, तो 50 इधर से लिए, 50 उधर से लिए, तो 5,000 वर्ष का सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं। और दुनिया वाले कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी 40,000 साल पड़ा है। एक तरफ कहते हैं कलयुग की आयु है 432,000 साल, दूसरी तरफ कहते हैं कलयुग अभी 40,000 साल बाकी पड़ा, ये आपको बताया था, और तीसरी तरफ कलयुग के अभी कितने बीते हैं 5,000। तो 432 में से 5,000 जाएँ तो 427,000 होने चाहिए। कोई इनकी तिथि नहीं मिलती, कोई हिसाब नहीं मिलता, एक टैली नहीं होता है ना। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर, जब एक तरफ कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प, जब एक कल्प खत्म होने वाला है दूसरा कल्प शुरू होने वाला है, इसलिए क्या लिखा है कल्प कल्प, आगे देखो, कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मतलब कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने। बाप किस लिए आते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए आते हैं। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश तो ज़रूर होगा, उसके लिए फिर ये लड़ाई है, चारों तरफ बॉम्ब्स और मिसाइल चलाए जाएंगे। हाँ, इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है कि शंकर बैठकर कोई संकल्प करे। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, समझ लेना है, पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी, खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है लक्ष्मी नारायण का, स्वर्ग को लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है, कैसे स्वयंवर होता है, ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स आदि याद नहीं पड़ती हैं तो बाबा को याद करो, भाई तुम्हारा दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता, तुम्हें ज़्यादा पॉइंट्स याद नहीं रहती, बाबा को याद करो, बाबा का कहना मानो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद कर लो, टीचर जो सिखलाते हैं वे भी ज़रूर याद आएगा ना, रोज़ाना बाबा रोज़ाना पढ़ाते हैं आपको, टीचर भी तो है ना बाबा हमारा, कहते हैं बाप को याद करो, टीचर को याद करो, किसी तरीके से याद तो करो ना, टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है, हमारा उद्देश्य क्या है वो भी हमारा बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। क्या बन गए हो अब आप, विद्यार्थी बुढ़ापे में रिटायर होने के बाद स्टूडेंट है, ठीक है, ये भी जानते हो, जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता, लौकिक बाप अलग है, वो शरीर का बाप अलग है, लौकिक पारलौकिक, और फिर ये है अलौकिक, ब्रह्मा क्या है अलौकिक। कितने बाप हो गए, तीन, एक लौकिक बाप, एक पारलौकिक बाप और एक अलौकिक, अलौकिक जो ब्रह्मा, ब्रह्मा है ये लौकिक, वो हमारा अलौकिक है, ज्ञान का पिता, ठीक है। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से तो वर्षा, जो लौकिक बाप के पास जमीन जायदाद है वो मिलता है, लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है। अंत तक याद, पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दे दिया,
और मर गया तो ईश्वर ने ले लिए। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे भाई, उसको तो इसलिए भी चलो भी परमात्मा को भी याद करते, इसको ये क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़ा ही है, इससे कुछ नहीं मिलता, अलौकिक बाप से कुछ नहीं मिलता। बाबा कहते ज्ञान भी बाबा के दिले मिलता है, सिर्फ बाबा से मुख्य इनका है, है नहीं, ज्ञान भी मैं देता, इससे आपको कुछ नहीं मिलता, इसके पास जो था भी ना वो मैंने लूट लिया, इसका तन मन धन सारा पहले लूट लिया, इसके पास कुछ है ही नहीं, दे क्या बेचारा, समझ, ये अलौकिक बाप हमारा, इसके पास कुछ नहीं है, सारा कुछ शिव बाबा ने इससे ले लिया, इससे कुछ नहीं मिलता। इनको अलौकिक कहा जाता है, तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जरा तीनों बापों के रिश्ते को भी हम जरा ध्यान से समझ लें, लौकिक बाप से हमारे ढेर रिश्ते, पिता मामा चाचा काका ताया फूफा ये सारे, परंतु जब अलौकिक बाप के बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो हम भाई बहन, तो हम हैं भाई बहन, और कोई रिश्ता नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कुछ नहीं, भाई बहन। और जब हम पारलौकिक बाप के बच्चे हैं तो हम आत्मा भाई भाई, अंतर समझ में आ रहा है रिश्ते में। अब जैसे ब्रह्म कुमारी हैं, ब्रह्म कुमार हम आपस में भाई बहन, भाई बहन है, हाँ, जब एक एक ही ब्रह्मा से पढ़ते हैं, गुरु भाई हो गए, गुरु भाई बहन हो गए ना, और उसके बाद आत्मा रूप में हम सारे भाई 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 लेडीज है, जेंट्स है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। और जब देह के रिश्ते में आते हैं तो पति पत्नी सास ननद दुनिया भर के रिश्ते, चाचा फूफा नाना क्या क्या, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, ये रथ भी निमित्त बना हुआ है, ये भी पढ़ता है, बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है, रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना, ये है बेहद का संन्यास, सब कुछ दे दिया इसे ब्रह्मा बाबा ने, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास, रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है, रथ कायम रहते हैं, मतलब ये रथ हर 5,000 साल बाद ये कायम रहता है, यही 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 बनता है हर 5,000 साल बाद, दूसरा तो वही बनेंगे 5,000, हाँ बिल्कुल, पहले 100 साल पहले क्या थे हमें नहीं जानते, हाँ ये तो अब पता है, चलते चलते फिर भगंती हो जाए, ज्ञान को सुनते सुनते फिर ये रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार, इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ, तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, भाग्यशाली रथ एक ही है माना जाता है, जिसमें बाप आकर ज्ञान देते स्थापना का कार्य करते हैं, तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं, ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे, इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो, शिव बाबा के बनते हो, तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पैनी थी, जब तक हम बाबा से नहीं मिले थे तब तक हमारी जीवन खोटा सिक्का थी, वर्थ नॉट ए पैनी थी, अब वर्थ पाउंड बनी है, अब पाउंड बन रही है, जितनी मेहनत करेंगे उतनी वैल्यू बनेगी ना, जितना चरित्रवान बनेंगे उतना कीमत आएगी, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, बाप ने समझाया है याद की यात्रा मुख्य है, याद की यात्रा, हमारे में लगातार सुधार आना चाहिए, इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो, स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर पढ़ाई पर मदार है,
तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जो ऊंच पद पा सके। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं। आसुरी मत से हम कहाँ जाते हैं, उतरती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत से हम चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु, कितनों की मत मिलती है, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है, जो श्रीमत एक बाप आकर देते हैं, जो हमारे 21 जन्म काम आती है। आप जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है भगवान की, ऊंच से ऊंच भगवान ही है जिसने कृष्ण को ऊंच से ऊंच बनाया, फिर नीच से नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते, बाप वर्षा देते, बाप क्या देते, वर्षा देते, वो है वॉइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, उस समय निर्विकारी हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते, परंतु संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। और विकार तो है ना, काम विकार नहीं है ना, क्रोध तो उनके पास बहुत है, लोभ तो बहुत है, मोह तो बहुत है, अहंकार तो बहुत है, बाकी विकार तो है ना। एक काम विकार पर ही तो जीत पाई है ना। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे, तो तुम सब ठहरे। वो है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजा पिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई 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 बहन हो गए, ब्रह्मा के बच्चे क्या हो गए, भाई बहन हो गए। वहाँ राजा रानी की बात ही नहीं है। ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। इस समय हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्या हो गए, भाई बहन। राजाई ना पांडवों की है और ना कौरवों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। नंबर 2, इस पुरानी दुनिया में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये है बहुत वैल्यूएबल जीवन, वैल्यूएबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। इस जीवन की कीमत कितनी हो जाए, पूरी कीमत हो जाए।
वरदान है। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भाव, एक तो योगी बनो, दूसरा सहज योगी बनो। इस समय हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही राजयोग सहज योग है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, माँ भी है, सखा भी है, दोस्त भी है, नौकर भी है, मालिक भी है, सारे संबंध अभी परमात्मा के साथ निभाने हैं। परमात्मा कहते इस समय ही तुम मेरे साथ सारे संबंध निभा सकते हो, जिसको फिर भक्ति में गाते हो तुमेव माता से पिता तुमेव। समय का मतलब संगम युग। हाँ, संगम युग पर ही परमात्मा आते हैं, बाकी तो चारों युगों में आते नहीं। एक अनुभव कर सकते हैं इस समय, आप बाबा को अपना बच्चा बना लो। ज्ञान जब मूल्य सुनते हैं उस समय के, उसके बाद मुरली में तो बताते, जैसे आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, ठीक है। ऐसे बाबा मुरलियों में जैसे समय समय पर अलग अलग बाबा कहते, तुम्हें माँ चाहिए तो मेरे पास आओ, बाप चाहिए तो मेरे पास आओ, दोस्त चाहिए तो मेरे पास आओ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी संबंध चाहिए मेरे पास आओ, उधर नहीं जाओ, उधर वाले माँ बाप के पास नहीं जाओ, उधर वाले दोस्तों के पास मत जाओ, मेरे पास आओ। मेरे से अच्छा दोस्त तुम्हें कोई नहीं मिल सकता, मेरे से अच्छा माँ बाप तुम्हें कोई नहीं मिल सकता, मेरे से अच्छा टीचर और गुरु कोई नहीं मिल सकता। मगर ठीक है, नहीं मिल सकता तो फिलहाल तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं, हम मान तो नहीं, उनको तो पता नहीं है, परमात्मा तो नहीं जानते। क्या नहीं जानते हैं कि जो मैंने आपसे बात किया वो, जब आप परमात्मा को, जब परमात्मा को आपने अपना पिता माना ठीक है, तब से जुड़ गया। तो आप देखो क्या मैं उसके बच्चे की तरह रोल प्ले कर रहा हूँ। यदि मैं बच्चे की तरह रोल प्ले कर रहा हूँ तब तो वो मेरा पिता है, मैं बच्चे की तरह उसका कहना नहीं मान रहा हूँ तो कैसे पिता है वो मेरा, मैंने उसको पिता स्वीकार किया ही नहीं है। मतलब अनुभव तब होगा जब तुम सच्चे मन से उनकी मत को चलोगे। हाँ। यही अनुभव है, यही है, माता मान लो उसका अनुभव भी कर सकते हो। हाँ। नहीं तो बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात फिर करेंगे संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं, सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, सर्व संबंधों का, और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम अलग हो जाता है। आज का स्लोगन है सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति।